चलो पहले ये बना लेते हैं हम लोग. वी नो दैट आर प्रोडक्शन इज 130,000. इधर भी 130,000 है ना. अभी देखो कैसे बोलता है वो, क्या बोलता है कि सेल्स एंड द सेलिंग प्राइस इज 15 रुपीज. सेलिंग प्राइस इज 15 रुपीज एंड दे हैव सेड एंड दे हैव पहले मत लिखो एंड दे हैव सेड कि रॉ मटेरियल्स इज 1/3 ऑफ सेल्स, दैट इज 33.33 ऑफ सेल्स. तो कैसे करेंगे हम लोग यहां पे, फिफ्टीन का 1/3 या 15 का 33.33 दैट विल गिव यू 5. सही है. यहां पे लिखू चलेंगे, यहां पे भी लिखा भी चलेगा, और सब लोग कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा तो यहां पर लिखा था. लेबर का मटेरियल का मुझे मिल गया. देन दे हैव सेड लेबर एंड ओवरहेड का देयर इज अ रिलेशन ऑफ 6:4. तो वो तो मुझे फाइंड कर ही नहीं सकता, बट दे हैव गिवन मी द प्रॉफिट आल्सो, तो ये फाइन. थोड़ा रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स. तो सेल्स माइनस प्रॉफिट विल गिव मी द कॉस्ट. बचपन में किया था ना हम लोग ने, सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. तो जब ये 5 रुपया है, ये 15 रुपीज है, तो यहां पे कितना आएगा, होता है ना 5 यहां पे जाएगा, माइनस हो जाएगा एंड ऑल दैट थिंग्स. भी हम लोग बड़े हो गए, सब नहीं करते बैठने का, डायरेक्टली 5 है 15 करना है, कितना डालना पड़ेगा 10. डायरेक्टली भी आ सकता है अपने को, यहां पर कितना आएगा, दिस इज 10. तो नाउ आई कैन इजिली फाइंड आउट दीज टू. अभी आई कैन फाइंड आउट हाउ, 10 रुपीज इज देयर, मेरा कॉस्ट कितना है 10 रुपीज. कैसे आएगा मुझे 10 रुपीज, मटीरियल लेबर एंड ओवरहेड. मटीरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. ध्यान से सुनो मैं क्या बोलता हूं, मटीरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट है. मटेरियल 5 है, 5 एंड टोटल कॉस्ट है 10. सो लेबर एंड ओवरहेड का अमाउंट क्या आएगा, 10 माइनस 5. कौन सा 5, ये वाला, बराबर है. तो आंसर क्या आएगा, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5. तो इन दोनों का अमाउंट ना, इन दोनों का अमाउंट हैज टू बी 5, हैज टू बी 5. एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हम लोग को रेशियो में, डिस्ट्रीब्यूट करना है. और कौन सा रेशियो बोला है, 6:4. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं. तो 5 वेजेस के लिए 6, 5 वेजेस के लिए 4. दो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक 6 का एक 4 का. अच्छा हम लोग करते थे ना वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो एडमिशन चैप्टर में बचपन में अकाउंट्स में करते थे ना, वो प्रॉफिट इतना आया, ए पार्टनर बी पार्टनर, तो वहां पे, यहां पे भी वही करना है अपने को, यहां पे भी वही करना है. मेरे पास में कितना रुपया है, 5 रुपीज है. कितना रुपया मेरे पास में, 5. उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वेजिस में या तो लेबर में, वॉट एवर यू से, और एक ओवरहेड में. एंड दे हैव सेड द रेशियो इज 6:4, मतलब इसको 6/10 और इसको 4/10. कैसे है 4/10, 6 पार्ट 4 पार्ट, तो टोटल कितना पार्ट हो जाएगा, 7, 8, 9, 10. तो 10 पार्ट में से 6 पार्ट इसका, 10 पार्ट में से 4 पार्ट इसका. अच्छा किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है,
फाइव हो, तो फाइव मल्टीप्लाई बाई सिक्स डिवाइड बाई टेन, फाइव मल्टीप्लाई बाई फोर डिवाइड बाई टेन। तो इसका आंसर मुझे आया था थ्री, इसका आंसर मुझे आया था टू। तो मालूम पड़ा कैसे डिवाइड किया, तो वैसे यहां पे भी लिखना है ना, तो लेबर का मुझे आंसर आएगा थ्री और इसका आंसर मुझे आएगा टू। इन व्हाट रेशियो डिड आई डिस्ट्रीब्यूट, इन दिस रेशियो, समझा। तो यहां पे लिख दूं मैं आप लोग के लिए कि फाइव मल्टीप्लाई बाय सिक्स डिवाइड बाय टेन एंड फाइव, इसे इरेज कर दो कुछ काम का नहीं, दिस इज सिक्स मल्टीप्लाई बाय फोर डिवाइडेड बाय टेन, समझा पक्का। ये हो गया खत्म, यही चीज इसमें था डिफिकल्ट या डिफरेंट, बाकी तो होल क्वेश्चन इज द सेम, पूरा क्वेश्चन मोनोटोनस है, वैसे ही जाने जाना है। मल्टीप्लाई का आंसर लिखेंगे हम लोग बाहर, पहले से रब कर दे, कुछ बोला नहीं है, कुछ बोला नहीं है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसे भी इरेज कर दो, नहीं सब तो चाहिए। चलो हो गया, अभी क्वेश्चन लेते पढ़ते वर्किंग नोट्स में डालते आंसर ले आते, शाल वी, चलो वो मल्टीप्लाई बाद में करते ना, अभी मल्टीप्लीकेशन बाद में रखते हैं। नाउ रीड द क्वेश्चन, कहाँ गया ये रहा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर टू वीक्स, तो रॉ मटेरियल का स्टॉक टू वीक्स डन, स्टॉक ऑफ टू वीक्स एंड मटेरियल इन प्रोसेस इज टू वीक्स, सो ये भी टू वीक्स बराबर है। एग्जामिनेशन में WIP मत लिखना, एग्जामिनेशन में मटेरियल इन प्रोसेस ही लिखना, यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है वही क्वेश्चन आपको फॉलो करना है, वही चीज आपको फॉलो करना है, सही है। फिनिश गुड्स दे हैव सेड टू वीक्स अगेन, डेटर्स पता नहीं अभी तक कुछ बोला नहीं है, कहाँ गया, क्रेडिटर्स फॉर टू वीक्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे टू वीक्स, देयर इन अ लूप अगेन, टू वीक्स के अंदर ही जा रहा है सब, डेटर्स फोर वीक्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड ओवरहेड्स ईच, सो आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑल्सो एंड आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स ऑल्सो इज फॉर अगेन टू वीक्स एंड टू वीक्स, बराबर है आगे, एंड यू हैव नथिंग एनालिसिस ऑफ दैट, खत्म। अच्छा कैश बैलेंस नहीं बोला इसने यहाँ पे, इस बार तो नहीं होगा, मतलब जनरली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ कोर्स यू हैव कैश बैलेंस, बट दे हैवन गिवन यू एनी इन्फॉर्मेशन, तो उसको छोड़ देने का, ज़्यादा जिद नहीं करना है, हम लोगों को नहीं दिया, हम लोग नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, हैपन्स ना, छोड़ो तुमको क्या करना है, मार्क्स चाहिए कि नहीं चाहिए, जैसा बोलता है वैसा करो, खत्म करो, बराबर है डैश। बड़े आगे चलो, कैलसीज ले लो हाथ में, अभी मल्टीप्लाई करना चालू कर दो, 130,000 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, कॉमन करना आता है कि नहीं अपने को, हम लोग को मान लो मैं सबको एक ही चीज़ से काउंट मल्टीप्लाई करना है, तो आई प्रेस 130,000 टाइप करो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, दो से तीन बार कर दो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, फाइव से ना, फाइव बिना कुछ दबाए, फाइव एंड इक्वल टू, क्या आंसर आया, 6,50,000, कुछ भी प्रेस मत करना, कुछ भी मैं प्रेस मत करना, एंड देन अगेन विदाउट थ्री, खाली थ्री प्रेस करो और इक्वल टू 3,90,000, फिर कुछ भी प्रेस मत करना, डायरेक्टली टू प्रेस करो इक्वल टू 2,60,000, क्योंकि मुझे आंसर मल्टीप्लाई करना है किससे, 130 से, तो दिस 130 बिकम्स कांस्टेंट, ये क्या हो जाता है मालूम है, कांस्टेंट, अगेन सेम रिपीट बिना कुछ। अच्छा आप अभी मुझे बोलेंगे आंसर इसका,
कुछ भी प्रेस मत करना, सिर्फ वन एंड जीरो प्रेस करो इक्वल टू, तो आंसर क्या आ रहा है? क्या आंसर है बोलो? 13 लाख। कुछ भी प्रेस मत करो, 5 इक्वल टू कितना आंसर आ रहा है? कितना बोलो? 6,50,000 आता होगा। कुछ भी प्रेस मत करना, डायरेक्टली आप 1 और 5 और इक्वल टू प्रेस करो, क्या आंसर आ रहा है? 19,50,000। समझा? खत्म। अब इसको देखो, पुट इन करो, थर्ड वर्किंग नोट बनाओ एंड डायरेक्टली यहां पे पोस्ट कर दो। चल चल, फर्स्ट व्हाट आर द सेट? रॉ मटेरियल्स का स्टॉक 2 वीक्स, तो रॉ मटेरियल का स्टॉक 2 वीक्स है। यहां पे रॉ मटेरियल का अमाउंट कितना दिया है वहां पे? 6,50,000 इंटू हाउ मच? 2 वीक्स द होल अपॉन 52, तो 6,50,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 52 विल गिव यू हाउ मच? 25 एंड देन 1,000। देन दे हैव सेड WIP, वर्किंग प्रोग्रेस के लिए यहां पे इधर आ जाओ। हाउ मच वीक्स दे हैव सेड? 2 वीक्स, तो इसको चेंज कर देंगे हम लोग, 2 वीक्स है। रॉ मटेरियल अमाउंट 6,50,000, वीक्स 2 डिवाइडेड बाई 52, लेबर 3,90,000, वीक्स 2 सेम ही रहेगा तीनों तीन चीज के लिए, इसका आधा मत करना, इसका 50% मत करना। 2 वीक्स 52, ओवरहेड्स 2,60,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 52। अच्छा, इसका 100% आएगा, इसका 50% आएगा, इसका 50% आएगा। करो कैलकुलेट, इसका आंसर मेरे को आएगा 25,000। कर लिया उन्होंने पहले कैलकुलेट, 3,90,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 52 विल गिव यू 15,000 का 50% विल गिव यू 7,500 एंड अभी इसका 2,60,000 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 50% दैट इज 5,000 अगेन। तीनों तीन को ऐड कर दो, आपको मिलेगा WIP का अमाउंट, मटेरियल से प्रोसेस का अमाउंट 12,500 प्लस 25,000 विल गिव यू 37,500। डायरेक्टली पेस्ट कर दो यहाँ पे 37,500 के कॉलम में। चलो नेक्स्ट, दे हैव सेड फिनिश गुड्स 2 वीक्स, फिनिश गुड्स का अमाउंट हम लोग टोटल कॉस्ट पे लेते हैं, टोटल कॉस्ट इज 13 लाख, 13 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाई 52, तो इसका आंसर आएगा 50,000 विदाउट यूजिंग द कैलसी। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, 650 उसका डबल, तो जो आंसर रहेगा उसका भी डबल कर देना, ज्यादा मेहनत करना ही नहीं अपने को। आगे डेटर्स, डेटर्स कुछ बोला है कि कॉस्ट पे करना है, सेल पे करना है? नहीं, तो क्या करने का? नोट, क्या लिखेंगे हम लोग? ऑल्टर नेटिवली एक कैन बी कैलक्यूलेटेड ऑन कॉस्ट। देखो डेटर्स का कितना है, 4 वीक्स दिया है डेटर्स का, ये रहा अमाउंट हम लोग सेल्स का लेंगे। सेल्स इज 19 लाख, 19 लाख नहीं है, हाँ 19,50,000 सॉरी, इंटू 4 वीक्स डिवाइडेड बाई 52, सो 19,50,000 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 52 विल गिव यू 1,50,000। आउट ऑफ कॉलम है 1,50,000। देर इज नो कैश एंड बैंक बैलेंस गिवन इन द क्वेश्चन, तो कुछ नहीं, डैश हो गया मेरा करंट एसेट्स हो गया। नाउ कम टू द करंट लायबिलिटीज, द वेरी फर्स्ट वन क्रेडिटर्स, यहां पे क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स का अमाउंट हम लोग को पता, दैट इज 6,50,000 इंटू वीक्स इज 2 वीक्स डिवाइडेड बाई 52, द आंसर इज 25,000। सही है? अभी खाली इसमें एक और नई चीज आ गई, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखेंगे हम लोग,
उसमें वेजेस भी है एंड ओवरहेड्स भी है, बराबर है। चल वेजेस कितना बोलते हैं वो, 3,90,000 इनटू हाउ मेनी वीक्स लेटर इज मेकिंग द पेमेंट, 2 weeks, सो इनटू 2 डिवाइडेड बाय 52 एंड द सेम थिंग विल बी कैरिड ऑन फॉर ओवरहेड्स आल्सो। तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है, यहां पे वेजेस ओवरहेड्स 2,60,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 52, थोड़ा रफ शप करना पड़ेगा। सो कैलकुलेट, इसका आंसर शायद है अपने पास में, दिस आंसर विल बी 15,000 एंड इसका आंसर अपने पास में है दैट इज 10,000। और सर ये कैसे किया आपने, हैव अ लुक, हैव अ लुक, बार बार कैलकुलेट नहीं करते बैठने का। यहाँ पे देखो 390 इंटू 2 डिवाइड बाई 52, अभी यहाँ पे आओ 390 इंटू 2 डिवाइड बाई 52। और सर यहाँ पे तो 7,500 है, यहाँ पे आपने 15,000 लिखा है, अरे बाबा ये मल्टीप्लाई 50% नहीं देख रहा है, समझा, यहाँ पे 50% नहीं दिख रहा है, तो 50% को निकाल दो ना तो क्या डबल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे मालूम है, 15,000 एंड 10,000। बार बार कैलसी को तकलीफ नहीं देना हम लोग को, बार बार त्रास में तो तकलीफ कैलसी को, आ गया आंसर डायरेक्टली, क्यों कैलकुलेट करना है, ऐड कर दो आंसर 35, कभी कभी ऐसा हो तो त्रास दे भी दिया करो, कैलसी को 25 ऐड कर दे, क्या आंसर आएगा 50, 25 + 25, 50, इसका आंसर 75,000 + 37,500 विल गिव यू 1,12,500, ऐड 1,50,000, 2,62,500 माइनस 50, दिस इज बी, सो ए माइनस बी विल गिव यू व्हाट, वर्किंग कैपिटल दैट इज 1,12,500, yes, 2,12,500, मालूम पड़ा आप लोगों को, है कुछ नया चीज इसके अंदर, ऑफकोर्स हर एक चीज में, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो नया है ही, बट लाइक वेरी सिंपल, आप लोगों को हर एक चीज को ट्रैक करना है, क्वेश्चंस करना है एंड डन, प्रैक्टिस, ये 3-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना आप, आराम से हो जाएगा इसे। चलो कॉपी करो इसे, पहले क्या कॉपी करेंगे, ये कॉस्ट स्टेटमेंट, ड्यूरेशन कैलकुलेशन ऑफ द वो WIP, अच्छा अगर आपको पता है कि WIP है तो WIP लिखो, अगर आपको क्वेश्चन में बोला है मटेरियल प्रोसेस है तो वो लिखो एंड कॉपी। चलो
चलो क्वेश्चन नंबर 5 इज डन, अभी क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. नेक्स्ट उसके नीचे ही दिया है, ए लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड 30,000 मशीन्स इन द ईयर 2013. ओके, एट 100% कैपेसिटी, मतलब क्या, इफ इट इज वर्किंग एट 100% कैपेसिटी इट कैन प्रोड्यूस 30,000 मशीन्स फुल कैपेसिटी. फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द सेम ईयर, मतलब 2013 का इन्फॉर्मेशन दे दिया है. मटीरियल्स 7 crore 50 lakh, लेबर 3 crore, सेल्स 15 crore, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, दैट इज द प्रॉफिट. सो वी नीड टू प्रिपेयर द कॉस्ट स्टेटमेंट एज यूजुअल. ड्यू टू द स्लो डाउन इन द इकोनॉमी द कंपनी हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस इट्स प्रोडक्शन टू 50%. द कंपनी हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस इट्स प्रोडक्शन टू 50%, मतलब कि हम लोग 100% पे प्रोडक्शन करते थे, अभी हम लोग ने वो प्रोडक्शन को स्लो डाउन कर दिया. एंड कितना कर रहे हैं अभी हम लोग, खाली 50%. मीन्स 100% पे इट इज 30,000, तो 50% पे इट विल बी 30 का हाफ, दैट इज 15,000. तो यहाँ पे प्रोडक्शन विल बी फॉर 15,000 यूनिट्स. समझा? आगे, ऑफ इट्स कैपेसिटी ड्यूरिंग द ईयर 2014. ओके, मीन्स वी आर आस्क्ड टू प्रिपेयर फॉर 14 एंड इन्फॉर्मेशन दे दिया 2013 का. ओके, इट इज एस्टिमेटेड दैट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स विल बी रिड्यूस्ड बाई 10% पर यूनिट. क्या बोला उसने वहां पे, द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल्स विल बी रिड्यूस्ड बाय 10% पर यूनिट. ओके, तो 10% कम कर देंगे ना हम लोग. वेजेस विल बी रिड्यूस्ड बाय 20% पर यूनिट. ओके, 20% रिड्यूस कर लेंगे हम लोग. ओवरहेड्स विल बी इंक्रीज्ड बाय 10%, तो जो भी ओवरहेड रहेगा उसको हम लोग इंक्रीज कर लेंगे 10% से. मतलब पहले दो में रिड्यूस करना है, सेकेंड में, थर्ड में इंक्रीज करना है. सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज टू बी एस्टिमेटेड टू मेंटेन द प्रॉफिट ऑन सेल्स एट 20%. ये बहुत सही स्टेटमेंट है. वो क्या बोलते हैं मालूम है, प्राइस कम हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, मेरे को है ना, मेरा परसेंटेज ऑन सेल्स एक वही चाहिए, मेरा परसेंटेज ऑन सेल 20% ही चाहिए. मतलब पहले मेरे को 20% मिला था सेल्स के ऊपर, अभी भी मेरे को 20% ही चाहिए. लेट द सेल प्राइस बी एनी अमाउंट, बट आई वॉन्ट माई प्रॉफिट परसेंट टू बी द सेम. करेंगे ना अपन, मालूम पड़ेगा अपने को, थोड़ा नंबर्स में आएंगे तो करेंगे ना. नेक्स्ट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू. रॉ मटेरियल विल रिमेन इन स्टॉक फॉर 1 month, तो अपने को मालूम है करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल्स फर्स्ट वन स्टॉक 1 month यहाँ पे. देन दे हैव सेड फिनिश गुड्स विल रिमेन इन वेयर हाउस फॉर 2 months. ठीक है, 2 months का फिनिश गुड्स. कस्टमर्स, क्या बोला उसने, कस्टमर्स एक चीज दिमाग में आनी चाहिए, वो है डेटर्स. हम लोग गुड्स बेचते हैं, मेरा डेटर बनता है, और वो बंदा मेरा क्या है, कस्टमर्स ही तो है. समझा? तो कस्टमर्स आर टॉकिंग अबाउट, दे आर टॉकिंग अबाउट द डेटर्स. ब्रैकेट में दे हैव सेड एट सेलिंग प्राइस, मतलब यहां पे है ना कुछ भी करके अपने को वो है ना सेल प्राइस पे लेने का. एंड वो ये था ना ये वाला स्टेटमेंट, अल्टरनेटिवली कैन बी कैलकुलेटेड एट कॉस्ट, नहीं लिखना है, दे हैव सेड यू हैव टू कैलकुलेट ऑन कॉस्ट प्राइस. समझा? आगे कहाँ गया, ये रहा. नेक्स्ट दे हैव सेड विल इंजॉय अ 1 month क्रेडिट. ठीक है, तो 1 month क्रेडिट कर देंगे हम लोग उसको. फिनिश गुड्स, हाँ यहाँ पे सप्लायर्स द क्रेडिटर्स विल अलाउ 2 months क्रेडिट. ओके, तो सप्लायर्स को 2 months क्रेडिट दे देंगे. टाइम लैग इन द पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स विल बी 1 month. आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स विल बी 1 month. प्रोसेसिंग पीरियड इज 1 month, WIP है वो, प्रोसेसिंग पीरियड. एंड कैश इन, कैश एंड बैंक बैलेंस विल बी 30 lakhs. ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू फोकस्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द ईयर 2014. तो क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को वर्किंग करना पड़ेगा फॉर द कॉस्ट स्टेटमेंट, देन वी कैन डू इट.
चलो थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने को क्वेश्चन के अंदर. सी वी डायरेक्टली नॉट बीइंग गिवन द कॉस्ट स्टेटमेंट, ना यूनिट्स दिया बराबर से एंड सीपीयू भी बराबर से, कॉस्ट पर यूनिट भी बराबर से दिया नहीं है. तो भाई कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा. तो इसके लिए ना हैव अ लुक व्हाट आई एम डूइंग हियर. 2013 पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रुपीस, द टोटल रुपीस डिवाइडेड बाय द यूनिट्स. तो क्या मिलेगा मालूम है अपने को, कॉस्ट पर यूनिट. एंड ये कॉस्ट पर यूनिट्स है ना, हम लोग नेक्स्ट ईयर का दैट इज 2014 का रिवाइज्ड सीपीयू निकालेंगे. बराबर है? अच्छा रिवाइज सीपीयू क्यों निकाले सर, हम लोग को मालूम पड़ना चाहिए कि इस बार का कॉस्ट कितना है, फिर मल्टीप्लाई कर देने का किससे, 2014 के यूनिट से. तो क्या मिलेगा सर हम लोग को टोटल, एंड दिस इज द अमाउंट दैट वी वांट ना, दिस इज द अमाउंट दैट विल बी यूजिंग इट फॉर द कैलकुलेशन. तो खाली ये करना पड़ेगा हम लोग को बिकॉज वी आर नॉट बीन डायरेक्टली गिवन द इंफॉर्मेशन ऑफ 2014. समझ में आ रहा है? एक करते चलो. व्हाट आर द सेट क्वेश्चन ए लिमिटेड मैन्युफैक्चरर एंड सोल्ड 30,000 मशीन्स. तो यूनिट्स फॉर 2013 इज ऑलवेज, इट हैज बीन ऑलवेज 30,000 इन द प्रीवियस ईयर. बराबर है? 30,000 एट 100% कैपेसिटी. फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन ठीक है. फर्स्ट वन दे हैव सेड 7 crore 50 lakh वॉज द कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स. 7 crore 50 lakh तो डिवाइड करो इसको, क्या आंसर आएगा, 3 3 zeros गया, 1 1 गया, तो 2500 क्या मिला मेरे को कॉस्ट ऑफ मटीरियल फॉर लास्ट ईयर. एंड पता है इस साल क्या हो गया, दे हैव सेट द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल. आपको दिख रहा है वहां पे, इट इज एस्टिमेटेड करके ए वाला पार्ट है, देखो नीचे वाला, देखो 3-4 लाइन के नीचे मिला, देखो ना वहां पे प्राइस ऑफ ए दिया है, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल. हाँ वो पढ़ो, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%. मतलब लास्ट ईयर मेरे को है ना दिस, आई वॉज गेटिंग एट दिस प्राइस, बट मेरे को इस बार है ना 10% कम में मिल रहा है, इट इज रिड्यूस्ड. मतलब आई एम गेटिंग 10% लेस मीन्स आई एम गेटिंग इट एट 90%. समझ में आ रहा है? मतलब द रिवाइज वैल्यू विल बी द 90% ऑफ इट. 10% कम ना, तो 90% में मिल रहा है. तो 2500 मल्टीप्लाई बाई 90%, that is 2250.